नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। शनिवार को भूलकर भी ना करें ये 7 काम, शनि हो जाते हैं क्रोधित। नमस्कार दोस्तों, शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी जबरदस्त टिप्स जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब मैं बात करूंगा, शनिवार के दिन आपको कौन सी 7 चीजें हैं या आपको कौन से 7 काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि शनिदेव यदि क्रोधित हो जाते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, छुट्टी का दिन होने के कारण लोग अक्सर शनिवार को खरीदारी करते हैं, लेकिन शनिवार के दिन खरीदी गई कुछ चीजें शनिदेव को नाराज कर सकती हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा की जाती है, ऐसे में इस दिन इसको शनिदेव को भूलकर भी क्रोधित नहीं करना चाहिए। तो अब हम आपको बता देते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उनकी टेढ़ी दृष्टि आपके नसीब पर पड़ जाती है और आपके भाग्य में लिखा हुआ धन दौलत ऐशो आराम ऐश्वर्य आपको नहीं मिल पाता है। आप कितनी भी मेहनत करें उसका फिर आपको पॉजिटिव परिणाम कभी भी नहीं मिल पाता है। आप हमेशा मेहनत करते रहते हैं लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए एक नजर डालते हैं कि वो कौन सी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं खरीदना चाहिए, खासकर से शनिवार के दिन। और भी बहुत दिन है जिनके दिन वो नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन खास तौर पर शनिवार के दिन तो हमें वो बिल्कुल ही नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, पहली चीज है तेल। जी हाँ दोस्तों, तेल की खरीदारी आप ना करें, खासकर से सरसों के तेल की खरीदारी आपको शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए। शनिवार को तेल का दान करना चाहिए, ना कि इसे खरीदना चाहिए। तेल खरीदने से घर में कोई ना कोई बीमार पड़ सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग शनिवार के दिन अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, उनके पीछे का कारण यही होता है कि शनिदेव उनसे क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको जो व्यक्ति अक्सर बीमार रहता हो या बीमार पड़ गया हो शनिवार वाले दिन, तो उसके तकिए के नीचे रात को या दिन में जब भी वो व्यक्ति सो रहा हो तो चुपचाप बिना किसी को बताए या किसी के बिना टोके आपको एक लोहे का 5 रुपए का सिक्का उसके तकिए के नीचे रख देना चाहिए। और सुबह आपको वो किसी शनिदेव को जो मांगने आते हैं तेल वगैरह, उनको दान कर देना चाहिए, या फिर आप किसी पास के शनिदेव मंदिर में जाकर उसका दान भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरी चीज पर नजर डाल लेते हैं कि कौन सी और चीजें हैं जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए शनिवार के दिन। दूसरी चीज है दोस्तों, लोहे का सामान। जी हाँ दोस्तों, किसी का भी दिया हुआ लोहे का सामान आपको नहीं लेना चाहिए और इसे भूलकर भी खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लोहा शनि की वस्तु है और इसे खरीदने का मतलब है शनि को अपने घर बुलाना। दोस्तों, अगर शनि अगर आपकी राशि में अच्छे हैं तो आपके घर आना उनका शुभ है, वरना आपके घर यदि शनि विराजमान हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए कष्टकारी है। तीसरी चीज है दोस्तों, कंबल। जी हाँ दोस्तों, कंबल या काले कपड़े ना तो खरीदने चाहिए और ना ही किसी को लेना चाहिए, अर्थात किसी को आपको उधार भी किसी को नहीं देने चाहिए ऐसे काले कपड़े शनिवार वाले दिन। काला शनि का रंग होता है दोस्तों, इस दिन काले रंग के कपड़े खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है। आपको हमेशा शनिवार वाले दिन
काले रंग के कपड़े या कंबल खास तौर पर आपको दान करना चाहिए। इससे आपके ऊपर यदि शनि की कुदृष्टि भी है तो वो सुदृष्टि में बदल जाती है। लेकिन यदि आप शनिवार के दिन जाकर स्वयं ऐसे चीजें खरीद लेते हैं जैसे कि काला कंबल, काला तौलिया या काले कपड़े या इनरवेयर भी हो, तो काले रंग के कपड़े आपको नहीं खरीदने चाहिए। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल भी ना करें शनिवार वाले दिन। शनिवार के दिन हमें काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, और ध्यान रहे कि हमारे परिवार में भी कोई और उसे ना पहने, ना ही इस्तेमाल करे, तो बहुत अच्छा होगा। उससे अगली बात है दोस्तों, किसी भी मजदूर या कर्मचारी या किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन बुरा भला नहीं कहना चाहिए। शनि के प्रकोप का सामना भी आपको इससे करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों शनि न्याय के देवता है। वे मजदूरों या गरीब व्यक्तियों पर होता हुआ जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। तो यदि आप शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को, मजदूर को या कर्मचारी को या ऐसे व्यक्ति को जो आपके नीचे कार्य करता है, उसको अगर आप कोई भला बुरा कहते हैं, तो इससे आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना भी करना पड़ सकता है। अगली चीज है दोस्तों, मसूर की दाल। दोस्तों आपको शनिवार के दिन मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए। मसूर की दाल खाने की बजाय आपको इसका दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होकर आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों इससे अगला है, मांस मदिरा के सेवन से आपको बचना चाहिए। दोस्तों यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो शनिवार को गलती से भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि शनिदेव इससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव को मांस मदिरा आदि से नफरत है। यदि आप इस दिन खाते हैं तो आपको शनिदेव के प्रकोप का भागी बनना पड़ सकता है। अक्सर आपने लोगों सुना होगा, लोग अक्सर कहते रहते हैं कि मंगलवार के दिन हम शराब आदि का सेवन नहीं करेंगे, हम बुरा मानते हैं, या आपने ये सुना होगा कि शनिवार को और मंगलवार को नहीं लेते हैं लोग दारू वगैरह, ऐसी चीजें नहीं लेते हैं, मदिरा पान नहीं करते हैं, सिगरेट वगैरह चीजों को भी छोड़ देते हैं, तंबाकू का सेवन भी नहीं करते हैं। लेकिन कोई इसका मतलब नहीं जानता कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो आज हमने आपको बताया कि यदि आप मांस मदिरा का सेवन मंगलवार या शनिवार के दिन करते हैं तो इससे आपको शनिदेव के प्रकोप का भागी बनना पड़ सकता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, किसी के द्वारा दिया गया तिल और उड़द आपको नहीं लेना चाहिए, और इसको आपको खरीद के तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम में बाधा आ सकती है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों यदि आपके काम भी ऐसे ही बिगड़ जाते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि इसके पीछे शनिदेव की कुदृष्टि का ही कहीं हाथ ना हो। कि शनिदेव यदि आपसे रुष्ट हैं तो शनिदेव की कुदृष्टि की वजह से, उनकी तिरछी नजर की वजह से आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में हमें आप चाहिए कि आप इनका उपाय करें। ऐसी चीजें जिनको हमने अभी अभी आपको बताया कि आपको नहीं लेनी चाहिए या आपको नहीं करने चाहिए वो खास काम, उनसे हमें बचना चाहिए ताकि आपके ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि ना हो और आपके ऊपर सुदृष्टि आए और आपके जीवन में बरकत हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि शनिवार के दिन आपको वो कौन से सात काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जिससे शनिदेव अक्सर क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त टिप्स, जिनसे आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखी जीवन और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
धन्यवाद।